माय गुडनेस, दिल्ली में बिल्कुल भी इतनी फॉग नहीं थी। देख रहे, विजिबिलिटी ज्यादा है नहीं और चलती रोड पे स्पीड के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है। एक हादसा पंचर का हो गया। उधर सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला कुत्ता, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। और अब मैं आया हूँ यहाँ पे मिल्क केक बहुत ही स्वाद मिलता है। बहुत ही क्लोज है मेरे रिश्ते। ये है जी प्राचीन मंदिर, श्री श्री हनुमान जी महाराज पांडुपोल। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों, अरे इश्क वालों ने। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज गगनजीत, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन हो गए थे निकले हुए घर से बाहर, मतलब ऑलमोस्ट अगस्त के बाद मैंने हार्डली एक ही राइड करी है। काफ़ी मिस कर रहा था यार, बीइंग ऑन द रोड, बीइंग ऑन अ बाइक, बुलेट चलाना इतनी खुली सड़कों पे बहुत ही अच्छे मौसम के अंदर, और एक खूबसूरत सी नई जगह कोई एक्सप्लोर करने का मन कर रहा था बहुत टाइम से। कई राइड बीच में आई भी थी, मिस हो गई, कुछ काम पड़े थे घर के अंदर, कुछ काम अपना भी चलता रहता है ऑफिस से रिलेटेड, तो इस कारण राइड्स नहीं हो पाई बहुत दिनों के बाद। आज है तारीख 21 जनवरी 2023। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा लेट है बट इट स्टिल काउंट्स, नया साल तो नया साल है। तो आज ही राइड शॉर्ट राइड होने वाली है, ब्रेकफास्ट राइड है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी लॉन्ग ब्रेकफास्ट राइड है। यूजली क्या है ना, हम आसपास छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे होके ब्रेकफास्ट करके वापस आ जाते हैं, बट बहुत मेरे ख्याल मेरे फर्स्ट टाइम ही है ग्रुप के साथ, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया कि बड़ी राइड आज हम बनाने वाले हैं। राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, मीटअप पॉइंट पे हमारा वही है सेम, हीरो ट्रैफिक पार्क के पास। 5:30 बजे का असेंबल था, 5:15 बजे फैशनेबली, जैसे तुम्हारा भाई लेट निकलता है, इस बार भी लेट निकला है बट कैचअप कर रहा हूँ। तो हीरो होंडा पार्क के पास, ट्रैफिक पार्क के पास से हमारी असेंबलिंग होके 6 बजे का फ्लैग ऑफ है। 250 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है। हम जा रहे हैं अलवर, और वहाँ पे दो चीज़ें हैं जो करनी है हमने। एक है सरिस्का नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी मुझे बताया गया है, तो एक वहाँ हमने विजिट करना है, और दूसरा एक टेंपल है वहाँ पे, मैं नाम भूल गया उसका, टेंपल का याद आ रहा होगा तो यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगा, बाकी मैं वहाँ जाके भी आपको टेंपल भी दिखाऊंगा। तो ये दो जगहें जो है हमने आज अलवर के अंदर कवर करनी है, विद ब्रेकफास्ट टी ब्रेक्स वगैरह सब करते रहेंगे बीच बीच में। तो वहाँ पहुँच के अभी दिखाता हूँ कितने राइडर्स आज असेंबल हुए हैं, कौन कौन आ रहा है। मैं बहुत लोगों से बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ, मिलने वाला हूँ इनफैक्ट, और व्लॉगिंग भी मैंने बहुत टाइम बाद सेटअप निकाला है। तो आज का व्लॉग आई होप आप इन्जॉय करो, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। स्थिति वाला व्लॉग भी अभी एडिट चल रहा है, तो वो भी मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोशिश है कि पूरी की पूरी एक साथ सीरीज अपलोड करूँ, ताकि आपको देखने में भी आप इन्जॉय करो और बीच में ब्रेक्स भी ना आए। तो वो तो काम चल ही रहा है, साथ साथ इस व्लॉग की आज आप, मैं जो एडिट करूँगा उसको इन्जॉय करो। मिलते हैं आपसे वहाँ पे हीरो ट्रैफिक पार्क के पास पहुँच के। सी यू। ब्रीफिंग हो चुकी है, ईशान भाई ने ब्रीफिंग कर दी है, बता दिया है कि जो सरिस्का नेशनल रिजर्व में आज हम जा रहे हैं, दैट इज मतलब इन अदर वर्ड्स जंगल, थोड़ा सा उन्होंने बता दिया है, ब्रीफ दे दिया है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या अलाउड है, ट्रैक क्या रहेगा, फॉलो क्या करना है और कैसे चलेंगे हम सारे, वो ब्रीफिंग हो चुकी है। और नए राइडर्स के लिए नॉर्मल ब्रीफिंग भी हो चुकी है कि हाईवे पे क्या मैनर्स रहेंगे, एटिकेट्स रहेंगे। मार्शल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, टेल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यहाँ से निकलते हैं, हाईवे पकड़ते हैं, पहले ब्रेक जहाँ पे होता है वहाँ से आपको मैं मुलाकात करता हूँ। हाँ, पहला सनराइज भी दिखाऊंगा आज का, और वहाँ पे मुलाकात करते हैं आपसे। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलमेट ऑन, वर्ल्ड ऑफ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। माय गुडनेस, दिल्ली में बिल्कुल भी इतनी फॉग नहीं थी, बट ये गुड़गांव क्रॉस करते ही थोड़ा सा, माय गुडनेस क्या धुंध मिली है भाई। विजिबिलिटी मतलब बिल्कुल ही कुछ मीटर्स की ही है, 100 मीटर्स हार्डली, मेरी ओपन एरिया है शायद इसलिए, बट दिल्ली में बिल्कुल भी धुंध नहीं थी। मैं जब सुबह आ रहा था तो मुझे नीड भी फील नहीं हुई बिल्कुल कि मैं ग्लव्स पहनूं,
बट ये धुंध ने काफ़ी हमारा स्पीड स्लो कर दी है और वो है कि सनराइज जैसे ही होगा थोड़ा सा धुंध छटेगी। माय गॉड, चलो खींचते हैं थोड़ी सी बाइक। संत ढाबा, पिन लॉक की हो गई ऐसी की तैसी, दिख रहा नहीं कुछ, स्टैंड नहीं दिख रहा बाइक का। तो फॉग है इतनी ज़्यादा कि लेनी पड़ गई है ब्रेक, और हाँ स्पेस बन नहीं रहा है। लाइकवाइज दिल्ली से जब निकले थे इतनी फॉग नहीं थी, लेकिन यहाँ काफ़ी डेंस है, देख रहे हो विजिबिलिटी ज़्यादा है नहीं, और चलती रोड पे स्पीड के साथ तो बिल्कुल ही नहीं है, देखा ही होगा आपने। तो वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ हॉल्ट, शॉर्ट हॉल्ट फॉर टी, और वो लेके देखते थोड़ा सा कोहरा भी थोड़ा छट जाएगा। आओ चले बसंत के ढाबे में। तो चाय पी ली है यहाँ से हमने बसंत के ढाबे से, दो दो कप, थोड़ी सी रोशनी आ गई है। अब गेयर अप हो के यहाँ से निकलते हैं और रोड पकड़ते हैं, नेक्स्ट ब्रेक पे मिलते हैं अब आपसे। 12 seconds later. एक हादसा पंचर का हो गया, देखो शौकीन लोग हमारे, शौकीन लोग स्पीकर्स लगा के बाइक पे, दे आर ट्रैवलिंग, राइड हो तो ऐसी हो, निकलने लगे थे दोस्तों, बस हुआ यूं कि एक हमारे कॉन्वॉय में से एक पंचर हो गया, तो बस पंचर लगवाने गया। इतनी देर वी आर जस्ट चिट चैटिंग, Having a good time. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. Eventually. तो ये है हमारा सेकेंड हॉल्ट, जहाँ पे हम अभी बस डिसाइड कर ही रहे थे कि हमने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और राइड करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, गड्ढे भी हैं, और कॉन्वॉय की स्पीड जो ओवरऑल है हमारी स्लो हो रही है, और आज एक ही दिन में वापस भी आना है, तो वही डिसाइड कर रहे थे अभी बैठ के कि आगे कंटिन्यू करें या वापस। तो गोइंग विद द स्पिरिट, रेड है भाई, इतनी आसानी से तो घुटने टेकेंगे नहीं। वी डिसाइडेड टू मूव ऑन, जंगल में जाएंगे, पहुंचेंगे आज, उसको एंजॉय करेंगे थरली, एक का चाहे डेढ़ घंटा लगे, पौने दो घंटे लगे, डजंट मैटर। तो एक कंसेंसस के साथ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ग्लव्स मैंने चेंज कर लिए हैं, ग्लव्स मैंने चेंज किए हैं, आई एम फीलिंग के थोड़ा सा बेटर होना चाहिए जो कोल्ड कंट्रोल है इसके अंदर। इट्स ओनली जस्ट बिगन, ता 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 ता, ये मैं मार्शल, मैं भी मार्शल, बूम बूम विट्टा लवा लवा, ओ विट्टा बूम वास्टिक, टेल मी वन कास्टिक, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, कुत्ता ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। धूप आते ही थोड़ी थोड़ी बढ़िया मजेदार, 20 किलोमीटर के आसपास रह गया अलवर। तो कोहरे को कर पार, सूरज चढ़ते हुए के सामने हम लोग एक छोटा सा हॉट लेने के लिए यहाँ रुके हैं, ये कचौड़ी वाले के यहाँ पे, दिस इज द कचौड़ी वाला, एक छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी एक प्लेट खा के कचौड़ी की यहाँ से आगे निकलेंगे। कचौड़ी खा ली है, बहुत ही बढ़िया कचौड़ी है, अगर मतलब आप यहाँ पे आ रहे अलवर के अंदर, अकबर चौक पड़ता है उसके जस्ट सामने ही पास में जोधपुर स्वीट्स होम है, वहाँ पे कचौड़ी खाई है, बहुत ही टेस्टी है, गर्मा गर्म चटनी डाल के बहुत स्वादी है। और अब मैं आया हूँ यहाँ पे बाबा ठाकुर, ये शॉप मुझे रिकमेंड करी है ईशान भाई ने, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मिल्क केक बहुत ही स्वाद मिलता है। पंकज भी अभी पूरे रास्ते बोलते आ रहे थे कि यहाँ जो प्योर घी के अंदर बनता है जो मिल्क केक बनता है, तो खा के आपको पता लग जाएगा कि असली चीज़ है बिल्कुल खरी। घर जाके ट्राई करेंगे कैसा टेस्ट है इसका। सरिस्का रह गया है कुछ ही किलोमीटर, और
खूबसूरती देख लो यार पहाड़ों की। ये अरावली हिल्स है यहाँ पे अलवर के पास, इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ है। ब्रेकर ही ब्रेकर, बंदर ही बंदर, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या बंदर निकला है, निक्के निक्के। आजा तू, आजा तू, आजा भाग ले बफलो। 30 की स्पीड लिखी हुई है, मैं वो बताऊँ लिखी हुई है। चलेंगे थोड़ी हम भी रॉकेट बनेंगे। गाइस आज आपको दिखाएंगे कि लोग कहते हैं कि आप कॉन्टिनेंटल में जीटी में और इंटरसेप्टर में ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, राइडर सी होता है, राइडर सी होता है दमदार। गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। Several bad puns later. गाइस लाइन लगा के लंगूर यार, तो पूरा रास्ता ऐसे ही है, पूरा ऑफ रोड जाना पड़ेगा हमें इसी तरीके से। वो खाना फेंक रहा है यार पागल, खाना फेंक रहा है ना, इससे गाड़ी पे छोड़ के आप निकालो उनकी रोड रोज का राजस्थान वाला। तो मैं कह रहा था कि ये रास्ता इसी तरीके से ऑफ रोड पूरा रास्ता है, जंगल में से टाइगर रिजर्व में से होता हुआ जा रहा है, यहाँ ऐसी वाइल्ड लाइफ दिखती रहती है। हाँ एंड में जाके हमें बस इस रोड के अंत में जहाँ पे हम पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ पे एक बहुत ही मतलब श्रद्धा क्या कहेंगे इसको, प्राचीन मंदिर। हाँ एक प्राचीन मंदिर है जो कि हनुमान जी का है, पांडवों ने बनाया है। अभी मुझे पंकज भैया मेरे साथ सेना पे हैं, वो मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो हाँ रास्ता इन्जॉय करते चलेंगे, रास्ते में कुछ आएगा तो दिखाऊंगा, अदरवाइज आई डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द टेम्पल इटसेल्फ। आई डोंट नो ये कौन सा जानवर है बट ये बहुत ही क्लोज है मेरे इस टाइम, बारहसिंगा है शायद, कुछ खा रहा है। तो ये तो वो एनिमल्स हैं जो दिख रहे हैं, इसमें से इसके अलावा भी और एनिमल्स यहाँ पे हैं जो कि प्रेडेटरी हैं, प्रेडेटर्स हैं, उनका काम ही होता है बिना दिखे शिकार करना, तो अगर नहीं दिख रहा तो दैट इज़ अ गुड साइन, ना ही दिखे भाई। टाइगर्स हैं, टाइगर्स यहाँ होंगे तो वहाँ स्कैवेंजर्स भी होंगे, जैकल्स वगैरह भी होंगे, फॉक्सेस भी होंगी, मोर। पांडवपुर टेम्पल, यही लगा देते हैं यार। तो ये है जी प्राचीन मंदिर, श्री श्री हनुमान जी महाराज, पांडुपोल। राइड होती है यहाँ पे कंक्लूड हमारी, दर्शन कर लिया है अंदर जाके सब, प्रसाद भी ले लिया। इसकी मान्यता क्या है, मैंने एक पिक्चर खींची है, इसकी हिस्ट्री क्या है वहाँ पे मैं आपको शेयर कर लूँ। राइड यहाँ पे कंक्लूड होती है, बस जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस जाएंगे, और आज का दिन होता है कंप्लीट हमारा यहाँ पे। मे बी एक लंच के लिए रुके होटल लें, लेकिन ये आज का दिन हम यहीं पे इसको ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक दबा देना, सब्सक्राइब दबा देना और शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। प्लान करो फैमिली के साथ अगर आने की यहाँ पे, तो टिकट्स लगती हैं, नीचे मैं लिंक दे दूँगा कहाँ पे इसका GPS की लोकेशन है, जहाँ पे आप आराम से यहाँ पे आ पाओगे। और बस इसी तरह से इस चैनल को करते रहो फॉलो, ऐसी नई नई जगह दिखाता रहूँगा और ट्रैवल व्लॉग्स दिखाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज गगन जी साइनिंग ऑफ, टेक केयर।